अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं फिर आप लोग को ब्लाउज की कटिंग बताऊंगा, वो भी डॉट वाला ब्लाउज। ये जो डॉट वाला ब्लाउज रहता है ना, ये डॉट कितना इंच पर रखना है और कैसे आर्मोल में झोल ना आए, वो वाला मैं आपको सेटिंग आज बताऊंगा। और जो शोल्डर गिरने का चांस है ना, बहुत आदमी ने मुझे कमेंट किया कि शोल्डर गिर जाता है, तो मैं आज वही आपको प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। चलिए मैं आपको ब्लाउज कटिंग करना स्टार्ट कर देता हूँ। ये जो है ना फ्रंट ओपन ब्लाउज है, इसलिए मैं फोल्डिंग साइड है ना अपने साइड में रखा हूँ। उसके बाद सबसे पहले ब्लाउज कटिंग करने के लिए यहाँ पर लेंथ चेक किया जाता है। लेंथ अगर आपका 13 इंचेस है तो उसमें आप 1 इंच एक्स्ट्रा करना। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर एक निशान इस तरह से लगा देता हूँ, उसके बाद यहाँ पर मैं इसको इस तरह कट कर लेता हूँ। ये कट करने के बाद सबसे पहले हम लेंथ लेंगे। लेंथ अगर ये देखिए मेरा लेंथ है ना ब्लाउज का 13 इंचेस है, 13 इंचेस है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 इंच एक्स्ट्रा करेंगे, 14 इंचेस पर मार्किंग करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। ये देखिए बहुत गौर से देखिए, मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगा। इसका मेजरमेंट है ना वेस्ट 30.5 है, तो हम यहाँ पर इसका 4 बैक से डिवाइड करेंगे तो 7.5 इंच एक पॉइंट आ रहा, तो मैं यहाँ पर इस तरह से निशान लगाऊंगा। उसके बाद यहाँ पर 1.25 इंच का इस तरह से निशान लगा दूंगा। ये निशान लगाने के बाद ये जो ये है ना मेजरमेंट दे दिया उन्होंने, तो मुझे इसी अकॉर्डिंग मुझे कट करना है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है, तो यहाँ पर एक मरतबा चेक करेंगे इस तरह रख करके, 1/2 इंच इधर मार्जिन में चला जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम इसको इतना रख देंगे, अब ये चेस्ट का निशान हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर एक निशान इस तरह से लगा लूंगा। ये निशान लगाने के बाद ये बैक ओपन है, बैक ओपन मुझे ये जो कफ दिख रहा है ना यहाँ पर आप इसको 5 इंच चाहिए, तो मैं यहाँ पर 5 इंच इस तरह से रख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर इस निशान लगा दूंगा। अब यहाँ से इस जगह से है ना नेक का कितना रखेंगे, यहाँ से हम 2.25 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे और यहाँ पर इस तरह से थोड़ा सा ऐसा स्ट्रेट नहीं, थोड़ा सा ऐसा क्रॉस रखना है। अब यहाँ से इसको शेप इस तरह राउंड का दे देता हूँ। ये तो हो गया गले का। अब यहाँ आते शोल्डर कितना रखेंगे, तो शोल्डर मुझे यही ब्लाउज जितना है इसमें आप इतना ही रखने के लिए मुझे बोला है, तो मैं इतना ही रखूंगा। ये देखिए यहाँ से आपको ऐसा रखना है, उसके बाद इतना ये आ जाएगा रेडी। अब यहाँ पर मार्जिन के लिए, अब मैं जो एक बात बताया कि शोल्डर गिरते हैं ज्यादातर, वही कमेंट आया, तो यहाँ पर आप क्या करना, ये देखिए ये जो है ना इसको इस तरह से थोड़ा सा ऐसा क्रॉस कर लेना। उसके बाद स्केल आर्मोल का कैसे रखेंगे, तो आपको स्ट्रेट नहीं रखना है बल्कि थोड़ा सा ऐसा क्रॉस करना। यहाँ पर भी निशान लगा दिया इस तरह से। चेस्ट इसका है 38 इंचेस है, तो यहाँ पर हम 9.5 यानी इसका 4 बैक से डिवाइड करेंगे तो 9.5 आएगा। यहाँ पर एक निशान लगाएंगे, उसके बाद ये निशान को ये निशान में इस तरह से मैं मिला दूंगा। उसके बाद यहाँ पर मार्जिन के लिए ये देखिए मैं 1.5 इंच पर इस तरह से निशान लगा दिया। उसके बाद यह आर्मोल का इस तरह से एक निशान लगाएंगे और यहाँ पर एक ऐसा शेप दे देंगे। ये देखिए इस तरह से आपको ऐसा शेप दे देना है। उसके बाद एक मरतबा यहाँ से चेक कर लेना है कि कितना आ रहा। यह देखिए 16.5 आर्मोल आ रहा। अब इसको हम इसको कट कर लेंगे। अब यहां पर मैं फ्रंट का कटिंग करूंगा, तो ये पीस है ना इसको इस तरह से भिजा लिया, मैं बैक साइड को इस तरह से इसके ऊपर ऐसा रखूंगा। ये देखिए मैं थोड़ा सा ऐसा क्रॉस रखा हूं, स्ट्रेट नहीं बल्कि थोड़ा सा ऐसा क्रॉस रखा हूं इसको। तो उसके बाद सबसे पहला जो काम करना है ना, ये जो बैक साइड का जो दिख रहा है निशान, इसके ऊपर ही एक यहां से साइड में 2 निशान इस तरह से लगाएंगे। ये देखिए मैंने इस तरह से लगा दिया ये निशान। उसके बाद हम यहां से लेकर के यहां तक मुझे कटिंग कर लेना है। उसके बाद यहां से हम डॉट पॉइंट का निशान लगाएंगे। डॉट पॉइंट निशान लगाने के लिए सबसे पहले यही ब्लाउज को रखेंगे इस तरह से, यहां पर 1/2 इंच मार्जिन में चला जाएगा, ये डॉट का निशान है, तो हम यहां पर एक निशान इस तरह से लगा देंगे। अब ये वाला कितना इंच पर निशान है डॉट का, तो वो भी हम यहां पर दिया देखिए इसका यहां है, तो हम 1/2 इंच यहां पर सिलाई के लिए ले लेंगे। ये इस तरह हो गया। अब यहां पर हम मुझे फ्रंट का मार्किंग करना है सबसे पहले, तो फ्रंट नेक कटिंग करने के लिए सबसे पहले मैं ये इसका ही मेजरमेंट ले लूंगा, तो 7 इंच है, तो 7 इंच पर हम इस तरह से टेप रखेंगे इसको। ये देखिए 7 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे। अब मुझे यहां इतना ही रखना है, ये वाला हिस्सा इतना ही रखना है, तो हम क्या करेंगे इसको, ये देखिए इसको इस तरह से रखेंगे, ये इतना इधर मार्जिन में चला जाएगा। अब यहां से ये तो बेल्ट है, ये हम दूसरा कटिंग करेंगे, तो यहां से हम इसको इस तरह से रखेंगे। अब ये जो डॉट का हिस्सा है, तो यहां पर हम इतना ले लेंगे। अब ये साइड में जो मार्जिंग रहेगा, तो हम इसको इतना ले लेंगे। ये लेने के बाद अब ये वाला हिस्से को इस तरह से ऐसा मिला देना,
ये हिस्सा इस तरह से मिलाने के बाद सबसे पहले यहां से चेस्ट का कितना रखेंगे तो इस जगह से लेकर के इधर से 4.25 इंच पर इस तरह से निशान लगाना। अब यहां से लेकर के इधर, यहां से इधर आपको 1.25 इंच पर ऐसा निशान लगाना ऊपर की तरफ। उसके बाद ये वाला हिस्सा है ना, ये दिख रहे ना, आपको इस तरह से टेप या तो स्केल इसी तरीके से रखना है, आपको इस तरह निशान लगा देना और इसकी दूरी जो है 2.5 इंच पर रखना है। अब ये वाला निशान आप स्ट्रेट ऐसा कर लेना, ये देखिए मैं इस तरह से कर लिया। अब यहाँ पर हम पूरे को बिल मार्क करेंगे, उसके बाद ये वाला बाइक का हिस्सा है ये याद रखना, ये बाइक से ही मैं फ्रंट साइड की कटिंग करूंगा और ये पहले बिल मार्क करूंगा इसके ऊपर। अब नीचे जो हिस्सा है ना उसमें आ जाएगा तो हम उसको फ्रंट साइड की कटिंग करूंगा। चलिए मैं बिल मार्क कर लेता हूँ और मार्किंग करके फिर से बताता हूँ। उसके बाद सबसे पहला जो काम करेंगे, यहाँ पर हम फ्रंट साइड का ड्रॉ करेंगे नेक, इसको इस तरह से मार्किंग करेंगे और दूसरा मार्किंग हम यहाँ पर इस तरह से करेंगे। अब आप इसको ऐसा शेप दे देना यहाँ पर इस तरह से। उसके बाद सबसे पहले मुझे इस तरह से कटिंग करना है, कहाँ से ये वाला लाइन है ना इसको इस तरह कटिंग कर लेता हूँ मैं। ये मैंने इस तरह से कट कर लिया और नेक को भी यानी मैंने कट कर लिया। अब यहाँ पर देखना है कि इसको इस तरह से यहाँ पर थोड़ा ज्यादा इस तरह से कट करना है, यहाँ पर ऐसा कट करना। उसके बाद सबसे पहले इसको इस तरह से ऐसा लेना है। अब यहाँ पर थोड़ा सा इस तरह से अच्छा मार्किंग इस तरह कर लेना और कट कर लेना। अब यहाँ पर डॉट कितना रखना है तो आपको बता दो 34 से लेकर के आप 38 तक आप है ना 1.25 इंच पर इस तरह से निशान लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बिल मार्क कर लेना इस तरह। अब यहाँ पर मार्किंग करके मैं बताता हूँ इसका डॉट का जो है कैसा निशान आता है। अगर आप इसी तरीके से ब्लाउज की कटिंग करेंगे तो आपको 100% फिक्स आ जाएगा। उसके बाद सबसे जो मेन पॉइंट है, यहाँ पर कैसे नापेंगे कि वेस्ट कितना, ये तो अभी एक्स्ट्रा है, हम इसको सेट करेंगे। तो सेट कैसे करेंगे, सेट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए 3 इंच पर यहाँ से लेकर के यहाँ तक आ गया। उसके बाद यहाँ पर टेप रखेंगे, क्यों ले तो ये डॉट में चला जाएगा तो इसको टेप यहाँ पर रखेंगे। अब यहाँ पर इसका 30.5 है तो मैं इसको यहाँ पर इस तरह मार्किंग कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आर्मोल की सेटिंग करना है। आर्मोल की सेटिंग कैसे करेंगे तो आपको बता दो कि इसको सबसे पहले ऐसा रखना है, उसके बाद थोड़ा सा ऐसा फोल्ड कर लेना। फोल्ड करने के बाद यहाँ से हम 38 इंचेस मेरा चेस्ट है तो यहाँ पर हम टेप रखेंगे, यहाँ पर 38 इंचेस पर मार्किंग करेंगे। उसके बाद इस जगह से ऐसा, ये देखिए यही मेन पॉइंट है, आप लोग इस तरह मार्किंग करके यहाँ से इसको निकाल देना ताकि जो झोल आता ना फ्रेम साइड में वो खत्म हो जाए। ये देखिए मैं इस तरह से निकाल लिया। अब थोड़ा सा यहाँ पर एक पॉइंट इस तरह से कर लेना। अब इसको हम मार्किंग का इधर नॉच भी लगा दिए। नॉच लगाने के बाद मैं आपको मार्किंग करके बताता हूँ कि इसको रखना कितना है। ये देखिए ये इतना ही रखना है, बाकी हिस्से को इस तरह से कट करके निकाल देना है। ये तो हो गया फ्रंट की कटिंग। अब बेल्ट की कटिंग करता हूँ। अब बेल्ट कटिंग करने के लिए सबसे पहले मैं बैक साइड को नीचे रखा, उसके बाद फ्रंट साइड को ऐसा रखेंगे। अब यहां से हम चेक कर लेंगे कि कितना आ रहा मेरा। यहां से देखिए यहां पर 3 इंच का आ रहा है, इधर से थोड़ा सा इधर आ जाएगा सिलाई और यहां पर इधर, तो हम 3 इंच का बेल्ट कट करेंगे तो यहां पर फिक्स बैठ जाएगा। तो मैं यहां पर देखिए मैंने इस तरह से मार्किंग करके रखा है, ये देखिए 3 इंच पर इस तरह से निशान लगाया मैंने यहां पर पूरा ऐसा। उसके बाद यहां से 1/2 इंच इस तरह से ऊपर की तरफ रखेंगे ताकि ये जो है ना फ्रंट साइड में आएगा, और इसको इस तरह से शेप दे दिया मैंने। अब मैं इसको कटिंग कर लेता हूं, ये देखिए। अब यहां पर आस्तीन की कटिंग करेंगे। आस्तीन की कटिंग करने के लिए यहां पर हम डबल फोल्ड इस तरह से कपड़े को करेंगे और यहां पर थोड़ा सा आयरन इस तरह से लगा देंगे। आयरन लगाने के बाद यहां पर सबसे पहले इस तरह से मार्किंग करेंगे। ये देखिए मैं यहां पर इस तरह से पहले नीचे 2 मार्किंग करूंगा। ये देखिए मैं यहां पर सबसे पहले 1 मार्किंग इस तरह से और दूसरा मार्किंग इस तरह से करूंगा। ये मार्किंग करने के बाद मेरा लेंथ है ना 9.5 है आस्तीन का। आस्तीन का लेंथ तो 9.5 है तो मैं 9.5 पर इस तरह से मार्किंग करूंगा और 1/2 इंच इधर, यानी अगर 9.5 है तो 1 इंच एक्स्ट्रा कर लेना, तो इधर भी 1/2 इंच और इधर भी 1/2 इंच। उसके बाद यहां से हम थोड़ा सा 1.25 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे, उसके बाद थोड़ा सा बड़ा निशान लगाएंगे। अब यहां से 1.25 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे। 1.25 इंच निशान लगाने के बाद इस थोड़ा सा इस तरह से निशान लगा देंगे। अब यहां से मेरा आर्मोल का है ना 16.5 है तो 16.5 है तो हम ये देखिए ये वाला छोटा सा हिस्सा दिख रहा ना, इसको ऐसा क्रॉस करना। अब यहां से इस तरह से निशान लगा देना। अब ये वाला हिस्से से ऐसा इसको ऐसा कर लेना। ये करने के बाद इसकी लूजिंग देखना है। इसकी लूजिंग है 11 इंच। 11 इंच पर मैं इस तरह से निशान लगाऊंगा, उसके बाद यहां पर लिख दूंगा 11 इंच। अब ये वाला जो हिस्सा है ना इसको ऐसा रखूंगा,
ये देखिए मैं इसको इस तरह से रखूंगा। अब ये देखिए स्लिप की मार्किंग होगा। अब मैं इसको कट इन कर लूंगा। अब यहाँ पर मैं इस तरह से नॉच लगा दूंगा और यहाँ पर भी एक नॉच लगा दूंगा। अब मैं फ्रंट साइड में जो हला कट करते हैं ना, इसी तरह इसमें भी स्लिप में भी हला कट कर लेना है। ये देखिए यहाँ से इसको इस तरह से हला भी निकाल देता हूँ। ये फ्रंट साइड का हो जाएगा। अब यहाँ पर एक नॉच लगा दूंगा। ये देखिए इसका फिनिशिंग कुछ इस तरह से आ गया। ये आस्तीन हो गया और यहाँ पर ये बैक फ्रंट आ गया। ये देखिए इसका बैक फ्रंट ये आ गया। अब पूरे को यहाँ पर मैं आपको इस तरह सेटिंग करके बता देता हूँ। अब इसका जो बैक की रह गया ना, बैक साइड का नेक, इसको भी मैं कट करके बता देता हूँ कि इसका फिनिशिंग कैसा आता है। जब तक हम कट इन कर रहे हैं, आप लोग लाइक करके सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल मोइन टेलर को। ये देखिए इसका फिनिशिंग कुछ इस तरह से आ जाएगा। ये देखिए इसका फिनिशिंग कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब मैं आपको पूरा फोल्ड करके एक सेटिंग कर। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर शेयर करना, और अगर डेली सीखना है तो यूट्यूब चैनल पर मोइन टेलर, जिसका नाम है मेरा ये चैनल है, आप इसी चैनल पर 2:30 पर मैं डेली लाइव सिखाता हूँ। आप लोग यहाँ पर भी जुड़ सकते हैं और सीख सकते हैं। अगर अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को जरूर शेयर करना और कमेंट करना। हेलो दोस्तों, कैसा लगा मेरी कटिंग? अगर अच्छा लगे तो जरूर लाइक करके सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल मोइन टेलर को। और अगर आपको लाइव सीखना है ब्लाउज की कटिंग, तो मैं 2:30 पर डेली सिखाता हूँ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।